या अल्लाह पाक, हमें दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे मेरे मौला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अपनी सिलाई क्लास का 40वां दिन है और आज हम सीखेंगे वेलवेट के कपड़े से डोरी बनाने का तरीका। वेलवेट का कपड़ा या मखमल का कपड़ा आप क्या कहते हो? आज हम जो डोरी बनाने जा रहे हैं वो उसमें सिर्फ हमको कैंची और कपड़े की जरूरत है। इसमें ना आपको सिलाई मशीन की जरूरत है, ना सुई धागे की जरूरत है और ना ही कुरेशा कोई चीज की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ कपड़ा और कैंची चाहिए। कपड़े में आप आपके मर्जी से कोई भी रंग ले सकते हो, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे आपकी मर्जी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कतरन में से किस तरह से आप डोरी निकाल सकते हो। पहले कपड़ा किस तरह से ले ये देख लीजिए आप। ये देखिए, ये बाजू में जो कपड़े के बाजू साइड में जो कोर आती है ना, ये कोर है साइड की किनार। तो ये कपड़ा यहाँ से ये खड़ा रहता है, ये ऐसा खड़ा कपड़ा है। ये खड़ा कपड़ा लमता है क्या? नहीं लमता है। ये वेलवेट का कपड़ा है, इसका खड़े में से नहीं होना, हमको ऐसा आड़े में से होना। ये देखिए, हमने इसको आधा इंच चौड़ी पट्टी काटी तो ये इतनी मोटी डोरी बनी। तो जब अगर आप हाथ से बनाएं तो ये ऐसी बनाएं, दो सूत जैसी चौड़ान हो उसकी कपड़े की। ये ऐसे अगर लटकन अगर आप लगा रहे हो ना, तो ये वजन से खुद ऐसे लटकते ही नीचे, ये तो डोरी खुद पतली दिखती है। फिर देख रहे हैं, लटकन अगर वजनी है तो आप कपड़ा है तो आधा इंच चौड़ान से काटे, तो ये आधा इंच चौड़ान खुद ऐसे लमता है ना, तो ये ऐसी खुद डोरी पतली दिखती है और टूटने का भी डर नहीं होता है। और अगर आप घर में लटकन बना रहे हो तो कपड़े का इतना ज्यादा बोझा नहीं होता है, तो उसमें ये ऐसी बारीक वाली लटकन अच्छी रहेंगी। तो चलिए मैं आपको स्टाइल बताती हूँ इसके अंदर। तो चलिए हम अलग अलग स्टाइल देखते हैं। एक स्टाइल मैंने आपको ये दिखाई हूँ, तो चलिए आपको दिखाती हूँ अलग अलग स्टाइल। ये देखिए, कपड़ा है तो ये खड़ा है, तो इसमें लमने का नहीं कपड़ा ऐसे, तो हमको ये ऐसे खड़ा कपड़ा नहीं लेना है, ऐसे आड़ा कपड़ा लेना है। ये कपड़ा ऐसे यहाँ से लमता है आड़ा। ये डोरी एकदम पतली लेनी है, दो सूत जैसी चौड़ान हो, आधा इंच से भी आधी और कम। ये देखिए, अब इसको हमको ऐसे लमाना है। देखो यहाँ से हमने लमाया, कैसे खुद ब खुद इसने डोरी का शेप इख्तियार कर लिया है, बारीक उलन की जैसे दिख रहा है। ये हम जो उलन बुनते हैं ना, बिल्कुल वैसे लग रहा है। अगर आप चाहो तो इसको पैर के अंगूठे में भी अटका सकते हो, जैसे पैर के अंगूठे में अटका दे या कोई सरिये पे लटका दे इसको जरा, और उसके बाद थोड़ा सा हाथ गीला करे, ऐसे इसको गोल पेच करते चले, या फिर किसी और की मदद से आप एक सिरा आप पेच कीजिए, एक सिरा किसी और के हाथ में दीजिए, आप दो जने मिल के जरा जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये ऐसे पेच करिए, जरा सा हाथ को पानी लगाने से ये गीला हो जाता है ना, तो जरा जल्दी जल्दी गोल पेच होता है। अब ये दोनों को साथ में पकड़ना है ऐसे ऐसे। ये देखो, ये खुद आपस में पेच उलझ गई है, दोनों को पेच हो गया है। तो चलिए इसको काट के निकाल लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, हमने ये तीनों को मिलाकर गांठ लगा ली। अब इसके बाद हमको यहाँ से ऐसे ऐसे, अभी कोई एक को हम पकड़ेंगे पहले, ये दो को अलग रखना है, अब ये एक को हम पेच लगाते चलेंगे। अब इसके बाद हम इसको ज़रा ऐसे कहीं किसी को पकड़ने के लिए देंगे, अगर अगर कोई पास नहीं है आपके तो आप ऐसे दांतों में पकड़ सकते हो। अब इसके बाद इसको अब ये तीनों को साथ में पकड़ना यहाँ से
ऐसे ऐसे, ये तीनों को हमने ऐसे साथ में पकड़ा, देख रहे ना तीनों, देखिए ये देखिए तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी लटकने बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए हमने इनको आधा इंच चौड़ाई से काटा, इसी इसकी मोटी डोरी बनी, आधा इंच चौड़ाई वाले हैं ये। और ये हमने आधे इंच से भी आधा काटा, इसको दो सूद, छोटा सा दो सूद जैसे काटा हमने। ये देखिए आप, ये जो दो रखेले होती है ना, तो इसको दो सूत कहते हैं, ऐसे तो इसको दो सूत कहते हैं। हमने इतनी चौड़ाई से हमने इसको काटा, इतनी बारीक डोरी बनाने के लिए दो सूत जैसी चौड़ी चौड़ान काटे। ये आधे इंच चौड़ान है, ये दो सूत जैसी चौड़ान है। और ऐसे बारीक डोरियों में से हमने इसको पेच करके इसकी ऐसी डोरी बनाई। दो रंग को मिलाकर आप चाहे तो एक रंग का बना सकते हो, दो रंग के बना सकते हो, तीन रंग के बना सकते हो। तीन रंग का बनाई हूँ मैंने, ये दो रंग के बनाई हूँ, ये तीन रंग है। ये हमने ज्यादा मोटी वाली डोरी ली है, आधे इंच चौड़ान से अगर आप काटोगे ना तो ये ऐसी मोटी डोरी बनेगी आपकी, देख रहे हो। ये हमने दो सूत जैसी चौड़ान से तीन डोरियां काटी, ये आधा इंच चौड़ान से दो डोरियां काटी हमने। अगर आप वजनदार लटकन बना रहे हो तो उसके लिए उसकी डोरी की चौड़ान है तो आधा इंच जैसी चौड़ी रखे। अगर आप हाथ से बना रहे हो तो उसके लिए दो सूत जैसी चौड़ान रखे। अब अगले वीडियो में मैं इसमें लटकन बनाना बताऊंगी मैं आपको। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर जिंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह तबारक अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।